दोनों बाइक के बीच में लगभग 7000 रुपए का डिफरेंस है। क्या आप अपने लिए 160 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो बजाज की पल्सर N160 और बजाज की ही पल्सर NS160 के बीच में, तो भाई ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई बाइक कंपैरिजन के साथ। N160 154 किलो की है, NS160 152 किलो की है। इसकी सीट हाइट 805 mm की है, इसकी सीट हाइट 795 mm की है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है। आइए गाइस, अब इन दोनों ही बाइक को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है N160 की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको NS160, ये देखिए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी राइट प्रोफाइल, NS160 एंड N160। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, पास से दिखाता हूँ। इसमें नेकेड हेड मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिया गया है जो कि LED में है, विद DRL ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये देखिए। ये है NS160 की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। इसमें हेडलैम्प सेटअप जो है हैलोजन बल्ब के साथ में दिया गया है। दोनों ही बाइक में साइड टर्न इंडिकेटर जो है हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। N160 में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड NS160 में फ्रंट में UHD सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। N160 का थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर दे रहा है। दोनों ही बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और अलॉयज का पैटर्न जो है लगभग सेम है। इसका ग्रे में मिल जाता है, इसका ब्लैक में मिल जाता है। आइए बात कर लेते हैं टायर की। फ्रंट में यूरोग्रिप का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। फ्रंट टायर साइज है 100/80/17। अब मैं आपको दिखाता हूँ NS160 का। इसमें भी यूरोग्रिप का ही ट्यूबलेस टायर दिया गया है एंड इसका टायर साइज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है 100/80/17। दोनों में सेम टायर साइज मिलता है। बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही बाइक में डोल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें ग्रिमका के कैलिपर्स मिलते हैं दोनों बाइक में, ये देखो। और इसमें सस्पेंशन पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं, काफ़ी बड़े इसमें ABS प्लेट लगाकर दिए हैं। N160 के टैंक का डिज़ाइन दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। पल्सर को यहाँ पर 3D में मेंशन किया गया है। टैंक कॉल मिल जाता है, ये देखिए। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर एक USB-A पोर्ट मिल जाता है। इस बाइक में 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। दिखाता हूँ पल्सर NS160 को, यहाँ पर देखिए पल्सर को 3D में मेंशन किया है, काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन है। 160 को यहाँ पर मेंशन किया गया है। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें कोई भी USB-A पोर्ट नहीं मिलता है। इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, ये देखिए, क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। सभी फीचर बटन देखते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच। राइट हैंडल पर यहाँ पर देखिए इंजन किल स्विच, एक यहाँ पर सेल्फ का स्विच मिल जाता है। चाबी इसमें नॉर्मल मिलती है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं इंडिकेटर के रूप में। सेंटर में यहाँ पर देखिए RPM मीटर मिलता है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ N160 का सिस्टम पूरा। इसमें सिंगल हैंडल बार मिलता है, ये देखिए। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर पासिंग, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच। राइट हैंडल पर यहाँ पर देखिए इंजन किल स्विच, डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच। इसके साथ में अभी नॉर्मल चाबी मिलती है एंड इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। मीटर की अगर बात की जाए तो इसका थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है और उसका थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन वाला लग रहा है। फीचर्स दोनों में लगभग बराबर मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लुक जो है पसंद आ रहा है। आइए गाइस अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इन दोनों बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इन दोनों बाइक के इंजन की। दोनों ही बाइक में इंजन गार्ड मिल जाता है, ये देखिए, ये देखिए, क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये देखो। दोनों ही बाइक में सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 फेस टू वाला FI 4-stroke 2-valve बजाज कंपनी का स्पोर्ट एंड कम्यूटर सेगमेंट में बेस्ट क्वालिटी का इंजन दिया है। N160 में इंजन मिलता है 164.82 cc का।
और NS 160 में मिलता है 160.3 cc का। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 9000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर का 7250 rpm पर। बात करते हैं N160 की। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 bhp की 8750 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 rpm पर। पावर की अगर बात की जाए तो भाई देखो NS160 में ज़्यादा मिलती है एंड टॉर्क की अगर बात की जाए तो N160 में स्लाइटली ऑन पेपर थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क इसमें मिल जाती है। दोनों ही बाइक में 5 गियर मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड मिल जाता है। साइड पैनल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एंड ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सीट की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में स्प्लिट सीट मिल जाती है जो कि राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ग्रेवरिल का बैटन देखिए कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल पर देखिए N160 को यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर देखिए NS160 को मेंशन किया है। बात करते हैं दोनों ही बाइक के रियर सस्पेंशन की। दोनों ही बाइक में रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलते हैं। फुटपैड की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में एल्यूमिनियम के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पर फुटपैड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए साड़ी गार्ड भी लगा हुआ है, लेडी फुटपैड भी लगा हुआ है एंड यहाँ पर देखिए साड़ी गार्ड लगा हुआ है। ग्रेवरिल का बैटन लगभग सेम है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी यूरोग्रिप का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है 130/70/17। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। इस बाइक में ये देखिए टायर हगर मिलता है। बात कर लेते हैं NS160 की। इसमें भी 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। टायर साइज दोनों का सेम है। टायर में ग्रिप कुछ इस तरीके की है एंड इसमें भी टायर हगर मिल जाता है। ये है इनकी रियर प्रोफाइल, ये देखिए टेल लाइट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये NS160। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई दोनों में ही सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, डुअल चैनल ABS मिलता है। रियर व्हील में 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, NS160 में किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, N160 में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है भाई। आइए अब मैं आपको इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। सबसे पहले N160 आइडियल कंडीशन पर साउंड सुनिए। अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है, आरपीएम देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, 9250 आरपीएम तक ये पहुँच जाती है। आइए अब सुनते हैं NS160 का साउंड। ये भी लगभग उतने ही आरपीएम तक जाती है। आइडियल कंडीशन पर साउंड सुनिए, इसमें भी अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों बाइक में से किस बाइक का इंजन साउंड एंड एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा बेहतर लगा है। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस दोनों ही बाइक जो है बजाज कंपनी की हैं, तो दोनों ही बाइक पर कंपनी 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आइए अब बात कर लेते हैं इनकी माइलेज की। दोनों ही बाइक से लगभग 50 से 55 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है और रोड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। N160 में पहले 2 वेरिएंट आते थे, सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS। अब ये स्टैंडर्ड हो गया है, डुअल चैनल ABS में आती है। और वहीं दूसरी ओर NS160 जो है अब अपडेट हो गई है। पहले ये भी सिंगल चैनल ABS में आती थी, लेकिन इसको भी कंपनी ने अपडेट करके डुअल चैनल ABS में लॉन्च कर दिया है। प्राइस की अगर बात की जाए तो N160 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,31,000 और NS160 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,38,000। दोनों बाइक के बीच में लगभग 7,000 रुपए का डिफरेंस है। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई N160 किसे लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस किसी का भी बजट कम हो, जिस किसी को भी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए हो और जिस किसी को भी USB-A पोर्ट चाहिए हो, किक स्टार्ट से फर्क ना पड़ता हो, तो ये बाइक जो है आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। आइए बात कर लेते हैं NS160 किसे लेनी चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपका बजट ज़्यादा है और इसी के साथ साथ यदि आपको USD सस्पेंशन चाहिए और यदि आपको हेडलाइट से फर्क ना पड़ता हो, हेलोजन बल्ब में है या फिर LED में है,
और इसी के साथ साथ आपको यूएसबी ए पोर्ट से भी फर्क न पड़ता हो। स्प्लिट सीट दोनों ही बाइक में मिल जाती है, अंडर वैली एग्जॉस्ट दोनों ही बाइक में मिल जाता है, और यदि आपको किक स्टार्ट का फीचर चाहिए हो तो भाई ये बाइक जो है आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों मोटरसाइकिल में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा, जिससे क्या होगा आपके कमेंट को लाखों लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उन सभी लोगों को एक वैल्यूएबल सजेशन मिलेगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई दोनों ही बाइक जो है अपनी अपनी जगह काफी बेहतर है, मैं आपको दोनों ही बाइक 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।